हेलो एवरीवन, आज आपका टॉपिक है शब्द शक्ति, जो हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम आपको शब्द शक्ति के बारे में बताएंगे और शब्द शक्ति की पूरी जानकारी देंगे। शब्द शक्ति की परिभाषा, वक्ता या लेखक के अभिष्ट का बोध कराने वाले गुण को शब्द शक्ति कहते हैं। सामान्य रूप से शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ जो वाचक शब्दों का बोध कराए, लक्ष्यार्थ जो लक्षण शब्द शक्तियों का बोध कराए, व्यंग्यार्थ जो व्यंजक का उत्पन्न कराए, व्यंग्य का बोध कराए। जो वाचक शब्दों का बोध कराए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जो लक्षणों का बोध कराए उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जो व्यंग्य का बोध कराए उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा में मुख्यार्थ का अर्थ उत्पन्न होता है, लक्षणा में मुख्यार्थ में बाधा आती है, व्यंजना में मुख्यार्थ में ध्वनि उत्पन्न होती है। मुख्यार्थ को साक्षात सांकेतिक अर्थ भी कहते हैं, अर्थात मुख्यार्थ सीधा अर्थ देता है। लक्षणा शब्द शक्ति मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होगी तो अन्य का अर्थ उत्पन्न बोध कराती है, मतलब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने से जो अन्य अर्थ का बोध कराए उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति व्यंग्यार्थ का ध्वनन कराने वाली होती है, अर्थात व्यंग्यार्थ को केवल ध्वनन होगा। अब आपको बताने जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, अभिधा शब्द शक्ति परिभाषा। शब्द की जिस शक्ति से, मतलब जो शब्द होता है, जो शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। सिंपल से डेफिनेशन है, साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहते हैं, अर्थात मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा कहते हैं। अब शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता पाठक उसके सबसे सरल और प्रचलित को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, मतलब जो भी हम शब्द सुनते हैं उसमें हमको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं रहती तथा सीधा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के। जैसे हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, हमको इसको समझने में किसी अन्य अर्थ की जरूरत नहीं है, हम इसको सादा सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, गाय घास चर रही है, जैसा हम इसको पढ़ रहे हैं वैसा ही हम इसको समझ रहे हैं। अब सेकंड आएगी लक्षणा शब्द शक्ति, ये आपके हिंदी शब्द शक्तियों में इंपोर्टेंट शब्द शक्ति है। परिभाषा, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिष्ट अर्थ का बोध हो, अर्थात जैसे हम इसको सीधा अर्थ ग्रहण कर लेते थे, अगर इसमें कोई अभिष्ट शब्द आ जाए जिसका अन्य अर्थ ग्रहण करे तो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती। जैसे जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा ही या अभिष्ट अर्थ का बोध हो तब किसी लक्षण के आधार पर अन्य अर्थ लगाया जाता है तो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती। इसको भी देखते हैं हम उदाहरण के माध्यम से, जैसे रोहन का बेटा तो ऊंट है, मतलब रोहन का बेटा ऊंट है, या ऊंट का अर्थ ऊंट नहीं है, मतलब ऊंट का अर्थ यानी पागल, गधा, ऐसा कुछ है। पागल मतलब जो कुछ काम नहीं करता, जो पढ़ाई वढ़ाई विद्या नहीं देता, रोता फिरता है। रोहन का बेटा तो ऊंट है, इसमें ऊंट को अन्य अर्थ से प्रकट किया जाता है रोहन के लिए। कोमल तो मेरे घर की लक्ष्मी है, मतलब जो कोमल उनके घर में है उनके घर की लक्ष्मी, मतलब उनका कहने का मतलब ये हमारे घर की बहू बेटी है। लाल पगड़ी आ रहा है, ये भी अलग अर्थ उत्पन्न कर रहा है। स्टार पॉइंट, लक्षणा शब्द शक्ति के रूप। लक्षणा शब्द शक्ति तो सब जानते ही है, लक्षणा शब्द शक्ति के दो रूप होते हैं, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनी लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा को पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से एक बार पढ़ने में समझ में आएगी। प्रयोजनी लक्षणा के दो पार्ट होते हैं, घोड़ी लक्षणा, शुद्ध लक्षणा। अब आप देखेंगे कि शुद्ध लक्षणा के दो पाद, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। अब हम आपको लक्षणा शब्द शक्ति के रूप में रूढ़ा लक्षणा पढ़ाएंगे, फिर प्रयोजनी लक्षणा पढ़ाएंगे। फर्स्ट, हेलो एवरीवन, अब मैं आपको शब्द शक्ति का पार्ट टू समझाने जा रहा हूँ। रूढ़ा लक्षणा, प्रसिद्धि के आधार पर अर्थ ग्रहण। उदाहरण, कलिंग वीर है, कश्मीर रक्त में डूब गया, भारत महान है, भारत जाग उठा, अमेरिका धनी है। अर्थात जब प्रसिद्धि हो, जब वाक्य में प्राचीन काल से चली आ रही बातों का उल्लेख किया जाए तथा प्रसिद्ध वाले वाक्य बताए जाए तो उसमें रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कलिंग वीर है, कश्मीर रक्त में डूब गया, भारत महान है, भारत जाग उठा, अमेरिका धनी है। ये सब वाक्य पुराने समय से चले आ रहे हैं तथा ये बहुत प्रसिद्ध हैं। अब नेक्स्ट शब्द शक्ति, प्रयोजनवर्ती लक्षणा। चांदी, जब प्रयोजन का अर्थ निकले, मतलब प्रयोजन हो, प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करें। चांदी का जूता मारो, मतलब
चांदी का जूता मारो वाक्य का अर्थ अलग है। आओ मेरे शेर चांदी का जूता मारो, रमेश राधा है, रंगा पर घर है, गंगा पर घर है, हाथ पांव न हिलाने के कारण वो भूखों मर रहा है। अर्थात जब वाक्य का अर्थ अलग हो वहाँ प्रयोजनोति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट शब्द शक्ति है घोड़ी लक्षणा शब्द शक्ति। उदाहरण के माध्यम से मैं इसको बताने जा रहा हूँ। उदय गिरी मंच पर रघुबर बार पतंग। उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बार पतंग, इसमें गिरी मंच सादृश्यता दर्शा रहा है तथा रघुबर बार पतंग सादृश्य है। स्वर्ण किरण कलरों पर बहता रह रहे मन, अम्बर पनघट में डूब रही तारा उषा नारी। अब हम आपको शुद्ध लक्षणा शब्द शक्ति बताने जा रहे हैं। आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। यहाँ आंचल में है दूध, यहाँ निकट के निकट का संबंध बताया जा रहा है कि आंचल में दूध है और आंखों में पानी, जल ही जीवन है। अंगा अंगी संबंध निकट का संबंध कहलाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लक्षणा लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। इसके माध्यम से आपको बताऊंगा यह बालक सिंह है। उदाहरण को ध्यान पूर्वक पढ़े और परिभाषा देखें। लक्षण लक्षणा में अन्य अर्थ का बोध होता है किंतु मुख्य अर्थ का त्याग होता है। अर्थात बालक सिंह है यानी सिंह मुख्यार्थ है, मुख्यार्थ का त्याग होके तथा बालक सिंह है मतलब भारत का स्वभाव शेर जैसा है, मतलब बालक बहादुर है। रमेश गधा है यह मुख्यार्थ है तथा मुख्यार्थ का त्याग हो रहा है मतलब रमेश मूर्ख है। अब नेक्स्ट है उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा का मुख्य अर्थ का त्याग किए बिना अन्य अर्थ ग्रहण कर लेगा, जिसे सिंह का त्याग किए बिना अन्य अर्थ का ग्रहण कर ले, जिसे माला और लाठियां आ रही है, मतलब माले और लाठियां आ रही, मतलब माला का भी त्याग नहीं हो रहा और लाठियों का भी त्याग नहीं हो रहा और अर्थ ग्रहण कर रहा है। लाल पगड़ी आ रही है, मतलब लाल पगड़ी का त्याग नहीं हो रहा और लाल पगड़ी आ रही। धन ने इस गांव को जाड़ दिया, मतलब पैसे की अधिकता या पैसे की कमी ने इस गांव को जाड़ दिया। यहाँ मुख्य अर्थ का त्याग नहीं हो रहा है, इसलिए उपादान लक्षणा शब्द शक्ति है। बाय बाय, नया टॉपिक नया नया सीरीज आने वाला है।